दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिल्ली के बारे में कुछ जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली का पॉपुलेशन 1,93,00,000 के आसपास है। दिल्ली का ऑफिशियल नेम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है और इसे शॉर्ट में NCTP कहा जाता है। दोस्तों, पहले इंडिया का कैपिटल कोलकाता था टिल दिसंबर 1911, लेकिन 1912 में दिल्ली को इंडिया का कैपिटल घोषित किया गया। दिल्ली में है हुमायूं का अकबरा और रेड फोर्ट, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। दिल्ली का सबसे मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ का लोटस टेम्पल और ताजमहल है। लोटस टेम्पल का खास डिजाइन की वजह से ये फेमस है और ये कमल के फूल के डिजाइन में बनाया गया है, इसीलिए इसको लोटस टेम्पल का नाम दिया गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ताजमहल जो आगरा में है, उसकी खूबसूरती को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ एक दिन में करीब 35,000 से 40,000 तक लोग आते हैं और सीजन के टाइम में यहाँ पर 60,000 से 70,000 भी हो जाते हैं। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 से शुरू हुई थी और ताजमहल 1648 में तैयार हो चुका था। ताजमहल की हाइट 73 मीटर है और इसको मुगल एम्परर शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में आया था। इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए 20,000 हाथी की भी मदद ली गई थी। 2014 में दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूशन सिटी भी कहा गया था, लेकिन यूनेस्को ने 2016 में दिल्ली को मोस्ट पॉल्यूशन सिटी में 11 नंबर के पोजीशन में गिना गया। यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई कड़े कदम भी उठाए गए हैं। दिल्ली में व्हीकल्स ज्यादातर CNG में ही चलती है और CNG सबसे सुरक्षित है और दुनिया में सबसे ज्यादा CNG से चलने वाली बसें भी दिल्ली में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी मीनार कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसकी ऊंचाई 240 फीट है। दोस्तों, दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ गर्मी के समय बहुत गर्मी पड़ती है, मानसून के समय बहुत बारिश होती है और ठंड के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिल्ली का मसालों का बाजार दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मशहूर है, क्योंकि ये मसालों का बाजार एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार है। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट साउथ एशिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। दिल्ली में 200 से भी ज़्यादा मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, दिल्ली में पॉल्यूशन तो बहुत है, लेकिन दिल्ली में ग्रीनरी की कमी भी नहीं है। दिल्ली का 20% हिस्सा हरे भरे पेड़ पौधे और पार्क से भरा हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और भी दिल्ली के बारे में जानेंगे लेकिन अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।